तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन तो दिख रही होगी शायद आपको, राइट? हाँ सर, ओके गुड, तो चलो क्विकली सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 4 एंड 3, दैट इज 12. तो अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 4, दैट इज एक्स माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4x+1. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज 1/12. नो सर, सर तो आपने यूट्यूब पर वीडियो डाला है और थोड़ा ज्यादा आप इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा, तो समझ नहीं आया. नहीं सर, हमको उतना समझ नहीं आया अच्छे से। हाँ ओके ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं हिंदी में डालूंगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई 4 इनसाइड, दैट इज 4x-4, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 12x+3. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज, एंड दैट इज 1/12. तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, राइट? फर्स्ट पहले तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज 12x, दैट इज 4x, दैट इज 16x, एंड -4 + 3 इज -1, एंड दिस 12 गोज इन द राइट हैंड साइड, सो दैट्स कम्स एज 12/12, दैट इज 1. 16x-1 विल बी इक्वल्स टू 1, 16x विल बी इक्वल्स टू 1+1, दैट इज 2, सो x विल बी इक्वल्स टू 2/16 विच विल बी 1/8. एनी डाउट? यस सर, नो सर. यस, हु इज यस सर? उमंग या टेल मी वेयर इज द डाउट. सर, यहाँ पर ये 1 2 3 फोर्थ लाइन में हमको दिक्कत है। 1, 2, 3, 4, दिस वन. क्या प्रॉब्लम है इसमें? 16x-1 इज इक्वल टू 1, राइट? -1 यहाँ पर तो ठीक है, 2 है ये तो सर, वहां पर 1/12 था तो कैसे हुआ ये? ये उधर जाएगा ना राइट में, सो दैट विल बी 12/12, राइट? हाँ सो 12/12 इज 1, सो दैट्स कम 16x-1 इज इक्वल्स टू 1. नाउ यस सर, अब माइनस वन गोज नहीं टू द राइट साइड, 1+1 दैट इज 2, एक्स इक्वल्स टू 1.8. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th वन. सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट वन, बट एंड द सेम थिंग वी विल डू एलसीएम हियर, दैट इज 4 एंड 3 एलसीएम इज 12. सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड हियर, z-2 + 1, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो आई कैन डायरेक्टली राइट 4. वैसे 4 × 1 होगा, बट हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मैं z के डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर लेता हूँ, सो हियर एलसीएम विल बी 3. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी 3z यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एलसी कुछ नीचे था नहीं, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा. 3 / 1 दैट इज 3, 3 × z दैट इज 3z. सो और ये एज इट इज रहेगा माइनस, और यहाँ पे ध्यान देना है बात है कि माइनस ना यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा, -2z-1 लाइक दिस, ठीक है? अब अगर आप ध्यान ना दोगे तो आप ऐसे लिख दोगे क्यों? -2z-1, बस वही गलत हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस जो है ना ये पूरे में लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है? तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ऐसे मत करना कि -2z-1 लिख दो, बस वही गलत हो जाएगा. यू हैव टू पुट ब्रैकेट हियर. समझ नहीं आ रहा यहाँ पर। यहाँ पे ये जो माइनस लगा हुआ है ये माइनस पूरे में है, दिस इज नॉट ऑन, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि दैट, ये लिखा होता अगर -2z-1/3 लिखा होता तो हम एज इट इज लिख देते, लेकिन ये माइनस जो लगा हुआ है ये पूरे में लिखा हुआ है, लाइक बिकॉज यू कैन राइट लाइक दिस, अच्छा ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे ये माइनस पहले बाहर लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 2z-1 एज इट इज, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दैट विल बी 3z-6+4 / 12, एंड दैट विल बी 3z. नाउ माइनस इनसाइड, तो -2z, माइनस का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज +1, ठीक है? डिवाइड बाई 3, 3z एज इट इज, -6+4 सब्सट्रैक्शन होगा, -2, डिवाइड बाई 12, 3z-2z दैट इज z+1/3, ठीक है? ये 3 इधर ले आओ, 12 इधर ले आओ, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, या पहले इसको क्या करो, 3 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 3 4 जा 12,
राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। सर वो ऐसे ही हम लोग नो सर, करते थे डायरेक्ट। नॉर्मली आप वैसे ही करते हो, दैट्स गुड। सो अब ये फोर जो है ये हम भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में। तो दिस विल बी 3z-2 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दिस z+1। ठीक है, सो 4z+1, सो 3z-2 इज इक्वल्स टू 4z+4। नाउ ये z3z मैं क्या करता हूँ, राइट साइड भेज देता हूँ, और ये 4 जो है इधर ले आता हूँ, या कुछ भी कर सकते हो, 3z आप इधर ही रखे रहो, -4z। ठीक है, ऐसे अब 16 आएगा आई थिंक। मोस्ट प्रोबली 4+2, -2 इधर आ गया, दैट इज 4+2, सो दैट इज -z, एंड दिस विल 4+2 इज 6, सो z कम्स एज -6। परफेक्ट, एनी सर अच्छा वो 4z था ना, मैंने 4 ले लिया था। ओके। मोस्ट प्रॉब्ली आप कैलकुलेशन मिस्टेक ही करते हो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप जल्दीबाजी करते हो, और जल्दबाजी में माइनस का प्लस या जोड़ने घटाने में गलती करोगे, एंड देन विल जस्ट आपके प्रॉब्लम सॉल्व खराब कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप स्किप मत करो, बिकॉज हम जल्दबाजी बहुत होती है, मैं कि अच्छा चलो 2 स्टेप स्किप कर देते हैं। तो ट्राई टू बी एज एलाबोरेटिव इनिशियली, बिकॉज अभी आपकी लर्निंग हो रही है, तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ, फिर स्टेप स्किप करो। वैसे बेटर तो यही है कि ना ही स्किप करो, आप थोड़ा टाइम लगेगा, टेक योर टाइम, बट सर डू इट थॉरली। अभी तक कोई हम लोग काम नहीं है। गुड, सो नाउ लेट्स टेक कैल्सियम वंस अगेन हियर, दैट्स ऑल्सो 12, दिस विल बी 3 6x-2। ठीक है, एंड दिस विल बी 4 2x-1, एंड दिस विल बी एज इट इज 4x, सो दिस कैन बी 18x-6 + 8x-4। ये 12 को हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, दैट इज 12 4 = 48x, 48। दैट्स क्वाइट गुड। सो नाउ जस्ट नो कलेक्ट एक्स के टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, एक तरफ 18x + 8x - 48x, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट साइड में भेज देते हैं, दैट विल बी 6 + 4, दिस 6 एंड दिस 4, सो 18 + 8 26, 26 - 48 दैट इज 2 2 - 22x इज इक्वल टू 10, सो x कम्स एज -10/22। परफेक्ट, एनी डाउट इन एनी स्टेप? सर यप, गो इट, या गो अहेड। सर 1/3 कहाँ गया? ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 6x-2/4 + 2x-1/3 = 4x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। गुड, यस सर लिख सकते हैं। नहीं आप तो लिख सकते हो दक्ष, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसके बाद मैंने फिर इसको एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 4 और 3 डिनोमिनेटर था, तो मैंने एलसीएम उसका हुआ 12, राइट, तो 12 के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 3 6x-2, ठीक है, बिकॉज ये 12 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, दैट रिमाइंडर विल बी जो बचेगा 3 3 × 6x-2, ऐसे ही करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन जो हम करते होते हैं, राइट, हाँ सर। दैट इज 4 2x-1, राइट, सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इट हियर द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी, राइट, ओके सर, थैंक यू सर। ओके गुड, सो द फाइनल रिजल्ट कम्स एज -10/22। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वन मोर डाउट वाज देयर, ओह या हियर इट इज, सो इसमें तो वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं था मुझे लगता है, आई डोंट नो व्हाई इट वाज डाउट, 0.3x - 0.4x दैट इज इक्वल्स टू -0.2 एंड जीरो माइनस पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव सर तो 0.3 एंड 0.4 दैट विल बी -0.1x, राइट, और जीरो दैट विल बी -0.7, पॉइंट सेवन सो बिकॉज दिस इज माइनस, सो बोथ माइनस कैन बी कैंसल्ड आउट, और वी कैन से दैट इज अ प्लस, एंड एक्स विल बिकम्स एज हाउ मच, 0.7/0.1, एज यूजुअल वी कैन रिमूव डेसिमल हियर, सो दैट विल बी 7/1, एंड वी कैन
गेट रेट एक्स इज आंसर। इक्वल टू 7। परफेक्ट। एनी डाउट, नो सर। एनीवन एल्स? नो सर। ओके गुड। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर, सो लेट्स सॉल्व दिस। कीप द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, 0.25 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। यहाँ पे मैं नीचे अज्यूम कर लेता हूँ इसके नीचे था 1, सो 2 विल बी द एलसीएम, सो दिस विल बी 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हो जाएगा 0.25 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 1। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 3। सेंड 0.5 ऑन द राइट हैंड साइड एंड एक्स ऑल एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी लाइक दिस, 3 माइनस 0.5, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x एंड 3 माइनस 0.5 इज 2.5 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2.5 अपॉन माइनस 4, और वी कैन से माइनस 2.5 अपॉन 4। वी कैन रिमूव डेसिमल इफ यू वांट, वी कैन राइट लाइक दिस 25 बाई 40, और वी वांट टू कैंसिल विद द 5 देन वी कैन कैंसिल बाई 5 एंड वी गेट 5 बाई 8। एनी डाउट? नो सर। सर। नो सर। ओके गुड, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वर जस्ट मेंशन इन द ग्रुप, सो आई जस्ट सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम टिल नाउ। Now, anyone else is having any doubt in NCERT? I think not, because I asked initially, just in the starting of the class. Nobody is having, right? Yes. Okay. So let's go for the exercise. Next one, that is 2.5 and 2.6. So here the exercise is about reducing equations to simpler form. So कुछ नहीं है जो अभी तक हम करते आए हैं, जो मतलब उमंग के बुक में पहले से ही वो थे, बस वही हम फिर से करने वाले हैं। वही एक्सरसाइज में अब आने वाला है। ठीक है, तो एज इट इज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे अगर आप स्मार्ट हो तो 1 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप 1 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक एलसीएम हियर दैट इज 3। सर क्योंकि यहाँ पर वो अलग है, इस वजह से हम लोग 1 नहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज ओके, इफ यू डू नॉट यू कैन मेक इट एज नॉर्मल, 6x प्लस 1 एंड प्लस 3। ठीक है, एंड दिस विल बी एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 6। यू कैन कैंसिल दिस 3 बाई 6 दैट यू गेट इट एज 2 हियर। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एंड मेक अ बिग ब्रैकेट फर्स्ट देन द स्मॉलर ब्रैकेट 6x प्लस 1 प्लस 3 लाइक दिस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 3। लेट्स सॉल्व इन साइड फर्स्ट, इसको अगर अंदर सॉल्व करेंगे सो दिस 1 प्लस 3, या पहले ब्रैकेट ओपन कर लो आप, 6x प्लस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3, सो 2, 1 प्लस 3 दैट इज 4, सो 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। लेट्स मल्टीप्लाई 2 इन साइड दैट इज 12x प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू x minus 3. Make the x terms left hand side and constant terms on the right hand side. 11x is equals to minus 11. So x will be equals to minus 11 divided by 11. So that's how we get it as minus 1. क्लियर, सिंपल है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हम थोड़े से अभी पीछे करते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कुछ या थोड़ी सारी है प्रॉब्लम। चलो जरा करते हैं, कोई बात नहीं। सो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज 5x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं दैट इज माइनस 4x प्लस 14, करेक्ट। दिस विल बी हाउ मच? अच्छा, यहाँ 6x, ओके, 6x माइनस 2 प्लस 7 बाई 2,
So this will be 5x minus 4x is x plus 14 is equals to 6x minus, and 7 by 2 is how much? In decimal, I want to write in the decimal. So that will be, I think, 3.5. ऐसे भी कर सकते हैं ना? ये LCM yes, sir, कर सकते हैं। ये LCM लेके करना चाहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं वैसे डेसिमल। मैंने सोचा कि थोड़ा नई ट्रिक बता देता हूँ आपको। सो दिस 6x माइनस 2 प्लस 3.5 विल बी प्लस 1.5, राइट? सो x माइनस 6x दैट विल बी 1.5 माइनस 14। सो 1.5 माइनस 14 इज हाउ मच? 11.5, राइट? कितना ही आएगा? ये गलत है, मुझे लग रहा है 12.5 आएगा। सो दैट विल बी माइनस 5x। सो x विल बी माइनस 12.5 डिवाइड बाई माइनस 5। सो दिस माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड आउट, दिस बिकम्स एज प्लस 5। से इसको डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी कमिंग एज 2.5, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 5/2, करेक्ट? यस सर। ओके, निमाया कोई डाउट है आपको? यस सर। आगे ना डाउट नहीं है, राइट? सो लेट्स टेक दिस वर टू एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 2.5। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वही है, क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस इनको थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जांपल्स हैं, तो आई जस्ट सॉल्व देम फॉर योर कन्वीनियंस, दैट्स इट। तो करना वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पे, ठीक है? सो दिस विल बी 8x प्लस, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हो, टाइम किल होगा इसलिए मैं निकाल देता हूँ, आप कर सकते हो मेरे साथ साथ इफ यू आर स्मार्ट इनफ। अगर नहीं लगता है तो आप देख सकते हो। सो दैट विल बी 8x प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी 6x प्लस 9, राइट? सो अब x वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, दैट इज 8x माइनस 6x, एंड 8 को राइट साइड में ले जाएंगे सो दैट विल बी 9 माइनस 8। 8x माइनस 6x इज 2x, 9 माइनस 8 इज 1, x comes as 1/2. So that will be your answer. Problem है किसी को इसमें? Sir, मेरा answer आ रहा है x equal to 1/2. That's good. And by chance. इसलिए कि मैंने अपने बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जब 40 मिनट मेरा स्पेंड हुआ था टाइम से। गुड, सो वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर, दैट इज लिटिल इंटरेस्टिंग, आई जस्ट रियली वांट टू शो यू। द एग्जांपल इज प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 8 इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है? तो पहले हम जब करते थे ना, वो कैसे करते थे कि हम पहले इनकी रेशियोज मान लेते थे, मान लेते हैं कि फर्स्ट वी हैव टेकन टू वेरिएबल्स दैट अनु एज इज एक्स ईयर्स, राज एज इज वाई ईयर्स, एंड देन वी राइट लाइक दिस एक्स इज टू वाई इज इक्वल्स टू 4:5, देन वी राइट लाइक दिस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/5, देन वी से लाइक दिस 5x इज इक्वल्स टू 4y, then we take some constant k, then we get the value of x is equals to k upon 5, then we get y is equals to k upon 4. That was little lengthy, I don't want to go in that lengthy step. Rather than, it's better to choose the variable in a very easy way, and that is this. Whenever you have, you know, ratio like this, ratio of 4:5, simply from this. सर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, यहाँ पर k क्यों लिखा हुआ? नहीं समझ में, वेरी गुड, भूल जाओ उसको। वैसे कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, दैट आई हैव जस्ट एज्यूम दैट एनी कांस्टेंट एज k हियर,
ठीक है, बिकॉज ये ऑब्वियसली फाइव, मतलब इसको सर हमें अगर वाई लिखे वाई तो नहीं कर सकते बिकॉज एक्स और वाई माना है, के की बजाय आप पी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या क्यू मान सकते हो, बिकॉज एक्स और वाई तो हमने पहले से ज्यूम कर रखे हैं। हाँ, इसके अलावा, एक्स और वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल आप ज्यूम कर सकते हो, पी क्यू आर ए बी जेड कुछ भी, सर सो जी, जी कुछ भी मान सकते हो। सो ओके इन इन दैट टर्म्स दैट आंसर विल बी कमिंग, लाइक अगर आप मान लेते हो जेड मान लेते हो, दैट विल बी जेड अपॉन फाइव, दैट इज जेड अपॉन फोर, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ, वो क्या है कि सीधे से जब भी ए जैसी गिवन हो तो अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, तो अनु का जो रेशियो है दैट इज 4 एंड राज का जो रेशियो है वो है 5। सो फॉरगेट अबाउट दिस वन, एक्स और वाई अभी तक हमने अज्यूम नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मानना है कि एज पर द रेशियो, ऐसे लिख सकते हो आप, एज पर द रेशियो लेट्स एज्यूम एज ऑफ अनु इज 4x। अब ये 4 कहां से आया, बिकॉज दिस रेशियो ऑफ अनु इज 4, सो द एज ऑफ राज विल बी हाउ मच, 5x 5x, बिकॉज उसका रेशियो जो है वो है 5, बाय ठीक है, 5x, नॉट नॉट वाई, वी विल नॉट टेक द अनदर वेरिएबल, वी विल टेक द सिंगल वेरिएबल 4x एंड 5x, यही ध्यान देने वाला। अगर आप दूसरा वेरिएबल लोगे तो आप स्ट्रक हो जाओगे बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व देम। सो रेशियो देने का ही मतलब होता है कि दैट यू आर हैविंग द ओनली सिंगल वेरिएबल 4x एंड 5x। यहाँ पे देखो आप x और y मान रहे थे, राइट right? तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, दो वेरिएबल हो गए तुम्हारे पास। यहाँ पे बेनिफिट यही है कि आप एक ही वेरिएबल ले रहे हो, 4x एंड 5x, ठीक है। अब इनको अगर आप देखो तो अगर इनको सॉल्व करोगे अनु और एज की, तो रेशियो निकालोगे तो दैट विल बी कमिंग एज 4x अपॉन 5x, एंड दैट इज कमिंग एज x x कैंसिल हो जाएगा, 4:5 ही रेशियो आएगा। सो दैट्स व्हाई वी टेक लाइक दिस, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बिफोर 8 ईयर्स, सो जो ऊपर अभी लिखी हुई है, सो इसको ये तो है, ये दिस इज अवर करंट एज, ओके, दिस इज करंट, यानी कि एज 2021 में, ठीक है, ईयर 21 चल रहा है, तो 2021 में जो इनकी एज है वो ऐसी है। अब हम क्या करते हैं कि 8 साल बाद की बात करते हैं, सो नहीं, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो मतलब आफ्टर आफ्टर 8 ईयर्स, राइट, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहे हैं ना, तो कि आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, अनु की एज क्या हो जाएगी, 4x+8 ऑब्वियसली बिकॉज दैट विल बी एडेड बाई 8, सो दैट विल बी 4x+8। राज की क्या हो जाएगी, फाइव फाइव एक्स प्लस एक्स एट प्लस 8, दैट्स वेरी गुड, फाइव एक्स प्लस एट करेक्ट। सो नाउ दे आर सेइंग दैट आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो विल बी 5:6, तो अब मैं रेशियो निकाल लेता हूं इनका, 4x+8 डिवाइडेड बाई 5x+8, ऐसे तो रेशियो निकालते थे, है ना, रेशियो ऐसे निकालते हैं, यस एंड दैट रेशियो इज कमिंग सर एज हाउ मच, 5:6, दैट मीन्स 5/6। नाउ इट इफ यू ऑब्जर्व दैट, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, ऐसे ही कुछ तो हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, राइट, सो वी कैन सिंपली सॉल्व दिस वन, लेट्स सॉल्व दिस, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो दैट विल बी 6 4x+8 इज इक्वल्स टू 5 5x+8, सो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24x+48 इज इक्वल्स टू 25x+40, सो लेट्स कलेक्ट एक्स टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट विल बी 24x माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव वन एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 48, सो 24x माइनस 25x इज माइनस एक्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस एक्स, एंड 40 माइनस 48 इज माइनस 8, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड आउट, वी गेट द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 8। सो अनु की एज कितनी होगी, सर 32 8 इयर्स करेक्ट, ना 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 ना, 8 ईयर्स नहीं होगी, बिकॉज अनु की एज कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ x मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज 32 ईयर्स, की जो है 40 एंड दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 5 इंटू 8, दैट इज 40 ईयर्स,
So that's how we get the answer. Don't leave like this. We have to write the age of Anu and Raz as well. So these are the current ages, right? 2021 mein humne current age assume kari thi. So that's what we are getting the answers. So this will be your answer. Aise hi questions hain zyadatar agar aap yes sir dekhoge isme exercise mein to most of the questions are like this. Word problems hain. Sabse badi jo mushkil cheez hai wo hai ki equations ko banana. मतलब कैसे आप उनको बनाते हो. ठीक है, तो पहला तो एक ऑब्स्टेकल है माइलस्टोन की इक्वेशंस आप बना लो. नेक्स्ट थिंग इज टू सॉल्व देम. तो सॉल्व करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो. अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे या आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने नहीं आते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आते, माइनस प्लस में कंफ्यूजन है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है. बिकॉज आई वाज यू नो जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी. लेकिन एट्थ तक प्रॉब्लम खत्म हो गई थी मतलब. लेकिन हाँ फिफ्थ सिक्स में प्रॉब्लम थी, मुझे एक्स और एड करने नहीं आते थे. सो दैट वॉज आई हैविंग प्रॉब्लम इन द फिफ्थ और सिक्स. आफ्टर दैट मतलब एट्थ तक मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी. सो बट आई तक हो बट स्टिल अगर प्रॉब्लम है किसी की है तो दे कैन रीच टू मी, आई विल जस्ट टेक द क्लास. बिकॉज अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, आपको यही करना नहीं आता कि माइनस एक्स प्लस फोर एक्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. सो इफ एनी वन इज हैविंग डाउट लेट लेट मी नो राइट नाउ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. एनी वन? अरे तुमको नहीं है, किसी और को है क्या? सर मुझे प्रॉपर्टी, सॉरी सर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब में है. वैसे उसमें कुछ खास नहीं है, मैं थोड़ा तो क्विकली बता देता हूँ बिकॉज आई हैव लिटिल टाइम. बिकॉज आज की एक्सरसाइज खत्म हो गई है, वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6. तो मैं एक बार क्विकली रिव्यू कर देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने क्लासेस नहीं करी हो. तो हमारे पास तीन रूल थे, एसोसिएटिव एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? And distributive. So, associative rule के according क्या होता है? Closure property भी थी. Sorry? एक closure property भी थी. Closure property भी थी. Property closure. क्या थी closure? Property. Property. Closure. हाँ. Okay वो क्या? पहला वही है. उसमें क्या होता है? वैसे ही लंबा 2+3 2+3 जी गोज टू 5 5. ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो शायद आती होगी सबको, 2+3 जी गोज टू 5 होता है. यस सर वो सिंपल है. तो मेनली दीज आर द थिंग्स, सो आप इन पे फोकस करो, दीज आर मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछी जाती हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी जिसमें कि ब्रैकेट है b प्लस सी में, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. इसमें ब्रैकेट देखो आपका a प्लस बी में आ गया है, राइट? तो इनका एग्जाम्पल्स आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे है 2+3+5. ठीक है, तो आप 3+5 को पहले सॉल्व करो. ठीक है, तो दैट विल बी 8, दैट इज 10. या फिर आप ऐसे सॉल्व करो 2+3 पहले और फिर 5. तो रिजल्ट जो आएगा दोनों का वो सेम ही आएगा. तो 2+3 विल बी 5, 5+5 दैट इज 10, राइट? सो यू सी दैट बोथ आर द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज इन दैट वन. सो दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग इन द एसोसिएटिव. व्हाट इज कम्यूटेटिव? सर रिकॉर्डेड वीडियो अभी तो देख सकते हैं इन लोग, ये तो देखते ही नहीं. हाँ शायद नहीं देखा होगा, बिजी रहते हैं यार बच्चे. कोई नहीं, गेम 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 भी खेलना होता है, गेम कौन खेलेगा? नहीं उत्तम नहीं खेलता गेम, उत्तम गेम नहीं खेलता. तो आईपीएल देखना, आईपीएल भी चल रहा है आजकल. तो आईपीएल भी नहीं देखता है. आईपीएल सर आईपीएल पोस्टपोन्ड. हाँ वो मैंने सुना, कल न्यूज में सुना था बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस आए तो पोस्टपोन हो गया. चलो कोई बात नहीं. सो कम्यूटेटिव लॉ इज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, करेक्ट? यस सर, दिस इज अवर कम्यूटेटिव. इसके अकॉर्डिंग वही है कि 5+2 करो या फिर आप 2+5 करो, दोनों का रिजल्ट वही आएगा 7. क्वाइट सिंपल है, कुछ मुश्किल है. लेकिन जिसको नहीं पता है कि व्हाट इज कम्यूटेटिव, वो खाली पजल्ड ही रहता है कि यार नाम ही पता नहीं क्या कह रहा है कम्यूटेटिव. तो अगर आप पता है तो दे आर क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज लिटिल यू नो न्यू थिंग, हो सकता है आप ना पढ़ी होगी पहले. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए बी प्लस सी
दैट इज ए बी प्लस ए सी, इसके अकॉर्डिंग क्या है लिखा हुआ है टू, मतलब कि लीनियर इक्वेशन ये तो आ गया। बिल्कुल 2x + y = 2x + 2y, ठीक है, या फिर यू कह लें 2 + 2 = 2 + 5 लिखा हुआ है। तो इसको एक तो तरीका है कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले 5 और 2 ऐड कर लें 7 एंड देन वी मल्टीप्लाई इनटू 2 दैट इज 14, करेक्ट। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 दैट इज 14। अब बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें, जब भी कुछ ऐसा हो जाए जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 5, नहीं 2 इंटू 5 सॉरी यहाँ पे इंटू है, इसमें सॉल्व करने में हमेशा लगाते हैं हम बॉडमास रूल, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, यही सॉल्व करने यस में सर, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पहले भी 2 2 4 उसके बाद 5 2 10 कर राइट, देंगे कभी सर। कभी ऐसे मत करना कि पहले 2 और 2 ऐड कर दो और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट रिजल्ट विल बी रॉन्ग, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि 2 इंटू 2 2 ऐड कर दिया दैट इज 4 इंटू 5, तो दैट इज हाउ मच, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, जबकि आर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 14। अगर यू नो आप सोशल मीडियाज में हो गए या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, तो आजकल ऐसे खूब सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं सॉल्व दिस सॉल्व दिस, और उसमें बस ऐड भी हूँ बेसिक मैथ में, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो मतलब इसमें हमेशा याद रखना है बॉट मॉस रूल लगाना है, दैट इज व्हाट बी ओ डी एम ए, डबल ए है कि ए सिंगल एस है, जो ठीक से याद भी नहीं है, ठीक है। तो सब ब्रैकेट सब ठीक है सर, ठीक है, तो सबसे एक और भी रूल आता है ना। पता नहीं यार ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। सो एक ब्रैकेट है, दूसरा ऑफ है, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाट द रूल्स शुड फॉलो। तो देखो अगर इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन पहले आ गया है, उसके बाद उसमें हम लोग एडिशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन वी विल ऐड, सो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई एंड देन, सो एनीवेज दैट्स इज एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। एनीथिंग एल्स टू एनीवन? नो सर, Okay, so just solve exercise 2.5 and 2.6. If you have any doubt, ask me. Otherwise, I will start next chapter, chapter number 3 in the next class. That is on Friday, 7 p.m. Okay? यस सर, Okay. यस सर। Okay, good.